जिले में लॉकडाउन के दौरान पुलिस विभाग को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जिसके चलते रिपोर्ट लिखाने आई एक महिला फरियादी को पुलिस थाना के HCM द्वारा रिपोर्ट लिखने के एवज में रुपए मांगे। जब महिला रुपए ना दे सकी तो उसे गंदी गंदी गालियां देकर थाने से भगा दिया गया। जानकारी के अनुसार 12 मई को जरीना वालों के साथ मारपीट की घटना हुई, जिसको लेकर जरीना बानो केलारस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने गई, जिसके चलते महिला जरीना बानो का आरोप है कि केलारस थाना में पदस्थ HCM सुरेश शुक्ला ने उससे रिपोर्ट दर्ज करवाने के एवज में 20,000 रुपए मांगे। जब जरीना ने पैसे ना देने की बात कही तो HCM सुरेश शुक्ला भड़क गया। रिपोर्ट दर्ज करना तो दूर की बात है, उल्टा जरीना से गंदी गंदी गालियां दी और थाना से बाहर भगा दिया। साथ ही जरीना ने आप बीती सुनाते हुए कहा कि मेरी रिपोर्ट ना लिखते हुए शुक्ला ने दूसरे पक्ष की रिपोर्ट दर्ज कर ली। मेरी आंख और शरीर पर कई चोट के निशान थे, लेकिन थाना में मेरी एक ना सुनी। जरीना ने कहा, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसलिए पुलिस अधिकारी मेरी नहीं सुन रहे हैं। साथ ही केलारस SDOP कार्यालय पर आवेदन देने के बाद भी आज तक दोषी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही पुलिस के अधिकारी द्वारा मामला दबाने की कोशिश की जा रही है। मेरा नाम जरीना बानो है। क्या करना हुआ? मेरे साथ में ना उसने मैं दूसरे वाले घर में गई थी ना, पहले उसके मकान में रहती ना, उसने चोरी का अंजाम लगा दिया और फिर मेरी मारपीट की थी। क्या नाम है उन लोगों का? अंजना शर्मा और उसके पति का नाम बोवी शर्मा है। मारपीट किन किन लोगों ने की? दोनों ने मिलकर की थी मेरी मारपीट, मुझे नीचे जमीन पे पटक लिया, मेरी मारपीट कर दी। और मैं थाने में रिपोर्ट लिखाने आई थी, तो उसके बाद में ना इनने ना मेरी रिपोर्ट नहीं ली थी, मुझसे पहले ना उनकी रिपोर्ट ले ली, इनने पैसे भर लिए उसके। किसने मांगे पैसे आपसे? ये शुक्ला जी, उसका नाम तो मैं जानती नहीं हूँ, शुक्ला है उसका नाम। क्या बोला आपसे? आप मेरे से ऐसे बोला कि अगर आप पैसे भर दोगी ना तो आपकी सुनवाई हो जाएगी, और अगर आप पैसे नहीं भरोगी ना तो आपकी सुनवाई नहीं होगी। क्या नाम है? सुरेश शुक्ला। क्या कहा था उन्होंने आपसे? मेरे से पैसे मांगे थे 20,000 रुपए के, आप 20,000 भर दोगी ना तो आपकी सुनवाई कर दूंगा मैं। तो मुझसे पहले ना मैं पहले आई थी, वो मेरे से बाद में आई, उसकी रिपोर्ट ले ली थी उसने, उसने पैसे दे दिए, मेरे आंख खुद दिए थे, उसने उसकी रिपोर्ट ली, मेरी रिपोर्ट नहीं। मेरे से पैसे मांगे, मेरे पे तो पैसे है नहीं है। आपने इसकी शिकायत किसी से की अभी तक? अभी तो उसी से की थी थाने में ही आके, अभी तो किसी से नहीं की मैंने। उसने मतलब ना मेरे से मतलब पैसे मांगे था, उसकी रिपोर्ट लिख ली थी। ठीक है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हूँ। उसने तो अपने हाथ से लिखी थी, पता नहीं क्या क्या लिखा है। मेरी रिपोर्ट ना उसने लिखवाई थी मुझसे बोल बोल के, मुझको धक्का दे के गाली दी मेरे से, मैं निकल गई। उसके बाद मुझे धक्का दे के ना यहाँ से निकाल दिया था। किसने धक्का दिया था? सुरेश ने, सुरेश बानो। क्या क्या? शुक्ला, सुरेश शुक्ला। उसने भगा दिया आपको? हाँ, उसने भगा दिया। उसे बोला तुझ पे हो जो कर लेना मेरा, तू क्या बिगाड़ लेगी मेरा, जा यहाँ से। कब की घटना? कल 3 बजे की। 3 बजे वहाँ पे मेरी मारपीट की थी, मैं जहाँ पे 4 बजे आई थी। जब मामले को लेकर मीडिया ने पुलिस अधिकारियों से बात करनी चाही तो मामले को अधिकारियों ने अनदेखा कर दिया। अब देखना यह है कि जब महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों पर ही पुलिस कार्रवाई के नाम पर रुपए मांग रही है, और रुपए मांगने वाले पुलिसकर्मी पर पुलिस के अधिकारी कार्रवाई ना करें तो पुलिस स्वयं संदेह के घेरे में है। यह देखना है कि आखिरकार दोषियों के खिलाफ रिपोर्ट और रिश्वत मांगने वाले पुलिस अधिकारी कब तक एक्शन लेंगे।